हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है, आपको यहाँ नीचे एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिर्फ उसे प्रेस करना है। तो चलिए मैं प्रेस करके बता देता हूँ, ये हो गया है और इससे ही आपका चैनल हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एडजेक्टिव में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लिटल और फ्यू में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक तो हमारा डिटर्मिनर होता है फ्यू, और इसी के साथ ही हमारा एक डिटर्मिनर होता है आपका लिटल। जो हमारा फ्यू होता है ये आपका काउंटेबल डिटर्मिनर होता है, और इसी प्रकार जो आपका लिटल होता है ये आपका अनकाउंटेबल डिटर्मिनर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कई बार हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि ये डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है। जो डिटर्मिनर होते हैं डिटर्मिन करते हैं आपके नाउन को, और जो एडजेक्टिव होते हैं वो भी आपकी मतलब स्ट्रेस डालते हैं नाउन के बारे में। लेकिन जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें डिग्रियाँ होती हैं, और जो आपके डिटर्मिनर्स होते हैं इनमें डिग्रियाँ नहीं होती। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम तीन लोग करते हैं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। लेकिन जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं ये आपका कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकते। तो ये इनमें एक डिफरेंस होता है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में। अब हम अगर फ्यू की बात करें तो इनके ये तीन डिटर्मिनर्स होते हैं। एक तो पहला होता है आपका फ्यू, एक होता है आपका ए फ्यू, और एक तीसरे नंबर पर आता है आपका द फ्यू, ठीक है। ये काउंटेबल डिटर्मिनर के साथ आते हैं। और फ्यू का लगभग क्या मीनिंग होता है, ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। और ये आपका एक नेगेटिव डिटर्मिनर होता है, ये ना के बराबर बात करता है, कोई भी वैल्यू है वो ना के बराबर है। ए फ्यू होता है ये आपका पॉजिटिव डिटर्मिनर होता है, इसका मीनिंग होता है सम, ठीक है। और जो दाफी होता है ये क्या होता है, आपका डिटर्मिनर होता है जो लगभग क्या बताता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट की सेंस देता है। लगभग कंप्लीट है कोई चीज़ तो उसको अगर हम बताएं तो वो दाफ्यू डिटर्मिनर का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार अगर हम लिटल की बात करें तो जो लिटल होता है इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नथिंग। इसके बाद जो आपका दूसरे नंबर पे आता है ए लिटल, इसका मीनिंग होता है सम, और सम मतलब ये पॉजिटिव मीनिंग आपका कन्वे करता है। इसी के साथ आपका स्टार्ट होता है द लिटल का कॉन्सेप्ट। और जो द लिटल होता है ये क्या बताता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए लिटल और फ्यू के बारे में। एक बार आपको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। होप आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमें पता चल गया कि जो फ्यू होता है ये काउंटेबल डिटर्मिनर होता है, इसका मीनिंग फ्यू का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ए फ्यू का मीनिंग होता है सम, और द फ्यू का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसी प्रकार लिटल अनकाउंटेबल डिटर्मिनर होता है, ये अपना लिटल का जो मीनिंग बनता है वो ऑलमोस्ट नथिंग बनता है, ए लिटल का मीनिंग बनता है सम, और द लिटल का मीनिंग बनता है ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। ये एब्सोल्यूट कंप्लीशन नहीं बता पाते, मतलब ये कंप्लीट सेंस को नहीं कन्वे करते। जैसे एक तो होता है, जो आपको एग्जांपल समझाऊं, मान लो आपको 1000 रुपये चाहिए, ठीक है, और 1000 रुपये में किसी ने आपको 7 रुपये दे दिए, ठीक है, और 1000 के सेंस में जो 7 रुपये है ये आपका क्या है, ये आपकी वैल्यू हो गई फ्यू, ठीक है। अगर किसी ने 700 रुपये दे दिए तो ये वैल्यू होगी आपकी ए फ्यू, ठीक है। और तकरीबन किसी ने ऐसे कर दिया कि 990 रुपये दे दिए, तो ये जो वैल्यू है 1000 के इसके एवज में कितना हो गया, ये हो गया आपका दाफ्यू, ठीक है। तो ये ऑब्सोल्यूट कंप्लीशन को शो नहीं करता, यानी ऑब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताता, ठीक है। होप आपने ये लिख लिया होगा। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं।
आप इनको एक बार नोट डाउन कर लेना। ये पहला सेंटेंस है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली अभी एचटेट सीटेट में भी आया हुआ था, और ये है अ लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ये आपका पहला सेंटेंस है, साथ के साथ आप नोट डाउन करते रहना। सेकंड सेंटेंस है फ्यू पीपल बिलीव इन गॉड्स। थर्ड सेंटेंस ए फ्यू पीपल हैव सीन गॉड। नंबर फोर सेंटेंस फ्यू पीपल हैव सीन गॉड्स। ठीक है, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। इफ यू हैव फिफ्थ सेंटेंस है यू शुड हैव अ लिटल नॉलेज इफ यू वांट टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। इसी को सेंटेंस को फिर से घुमा लेते हैं। नंबर सिक्स यू शुड हैव द लिटल नॉलेज इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, एक बार हम इन सेंटेंस को देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो डिटर्मिनर का कॉन्सेप्ट है ये कैसे लगता है। अब हमें पता है कि जो नॉलेज होता है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आपको मतलब अनकाउंटेबल डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा, वो तो ये बात सही है। लेकिन एक चीज़ समझना, अगर इसको हम देखें ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, मतलब कि एक तो होती है आपकी लिटल नॉलेज। लिटल का क्या मीनिंग है? लिटल मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग, और ए लिटल का मीनिंग है थोड़ी बहुत, और द लिटल है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब एक चीज़ सोचना, अगर किसी को ना के बराबर नॉलेज होगी तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको आधी अधूरी नॉलेज हो। मान लो आपने गाड़ी चलाना सीख लिया लेकिन आपको ये अच्छे से नहीं पता कि ब्रेक कब लगाने हैं और गियर कैसे बदलना है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये बात है तो यहाँ पे ए लिटल का क्या मीनिंग है कि थोड़ी बहुत, सम नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, और ये बात बिल्कुल सही है, ये आपका नो एरर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्यू पीपल बिलीव इन गॉड्स। अब यहाँ पे समझना क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब जो ये गॉड होते हैं ये भी दो टाइप से होते हैं। अगर आपने बात की बड़े जी की और एक होता है छोटा जी, ये जो बड़ा जी होता है इसका मीनिंग होता है जो एक सर्वशक्तिमान है, जो कि विश्व में सिर्फ एक है, एक तो वो भगवान है। एक वो गॉड होते हैं जिनको हम मान लेते हैं, दे आर नॉट रियल गॉड, वी मेड देम, हम उन्हें बनाते हैं। ठीक है, और एक होता है रियल गॉड जिसको एक्चुअल में किसी ने देखा नहीं होता। जो रियल गॉड होता है उसका जो जी होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है, और जिसको हम मान लेते हैं बना लेते हैं उसका जो गॉड का जो जी होता है वो छोटा जी होता है। जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो अपना कोई दूसरा इंसान उसकी हेल्प या मदद कर देता है, तो वो जो मदद करने वाला इंसान है उस जो वो पीड़ित है उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, वो उसके लिए भगवान की तरह हो गया, तो उसके लिए हम छोटे जी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बाबाओं को क्या मान लेते हैं, एज ए गॉड मान लेते हैं, तो उनके लिए छोटा जी इस्तेमाल होगा। लेकिन एक्चुअल में जो बड़ा जी है, जो सर्वशक्तिमान एक है, उसके लिए हम बड़ा जी इस्तेमाल करते हैं, तो गॉड में भी डिफरेंस होता है। अब हम आ जाते हैं सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना के बराबर भगवान को मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मान भी लेते हैं। तो यहाँ पे ए फ्यू
और फ्यू, ये दोनों ही सही सेंस होंगे और यहाँ पे दोनों का मीनिंग सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ए फ्यू पीपल हैव सीन गॉड। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे बड़ा जी लिख रखा है, अगर यहाँ पे बड़ा जी है तो इसका मीनिंग होगा जिस भगवान की हम बात कर रहे हैं वो अपना रियल गॉड है सर्वशक्तिमान। एक्चुअल में जो रियल भगवान उसको किसी ने देखा, अगर किसी ने देखा तो यहाँ पे ए फ्यू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फ्यू पीपल हैव सीन गॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, फ्यू पीपल हैव सीन गॉड्स। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मैंने छोटा जी लिख रखा है, अगर यहाँ पे मैंने छोटा जी लिख रखा है तो उसका क्या मीनिंग हुआ, ये जो जिसको हम बनाते हैं, अब जो ये छोटे भगवान हैं या जिनको हम बनाते हैं उनको तो हम देख सकते हैं, अगर हम उनको देख सकते हैं तो यहाँ पे ना के बराबर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए फ्यू पीपल हैव सीन गॉड्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, आपको किसी भी रूल नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी उन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यू शुड हैव अ लिटल नॉलेज इफ़ यू वांट टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। अब एक चीज़ समझना, जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको सीखने के लिए या इसको टीच करने के लिए आपके पास कितनी नॉलेज चाहिए, लगभग पूरी नॉलेज चाहिए। ठीक है, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन इतनी नॉलेज आपको चाहिए कि आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आपके पास लगभग कंप्लीट नॉलेज हो। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा, अ लिटल, अब अ लिटल आ नहीं सकता, ये तो ना के मतलब थोड़ी बहुत नॉलेज है, ये गड़बड़ है। अगर आप इंग्लिश टीच करना चाहते हो तो लगभग आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये मीनिंग कन्वे करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, यू शुड हैव द लिटल नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, यू शुड हैव द लिटल नॉलेज इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अब एक चीज़ समझना, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर सीखना चाहते हो तो द लिटल नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लगभग थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो भी आप इंग्लिश सीख जाओगे। अगर आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट नॉलेज है तो आप सीखोगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे लर्न की सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, अ लिटल नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर इसको चेंज करके ऐसे लिख दूँ, यू शुड हैव डैश नॉलेज इफ़ यू वांट टू लर्न अल्फ़ाबेट। मान लो ABCD सीखना है तो आपको कैसी नॉलेज चाहिए, आपको लिटल नॉलेज से भी काम चल जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट अगर चेंज होता है तो आपका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को भी बदल सकते हो। एक बार आप इन क्वेश्चनों को उतार लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। होप आपने इन क्वेश्चनों को समझ लिया होगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे स्टॉल डैश मनी दैट ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। अगर हम इस सेंटेंस को देखें, अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता था, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या क्या भर सकते थे, लिटल, अ लिटल या द लिटल। अब एक चीज़ समझना, ठीक है, हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या दे रखा है, ये ऑप्शन और दे रखा है, मतलब आपको ये एक सबॉर्डिनेट क्लोज दे रखी है जो कि क्ल्यू है। अब यहाँ पे उस धन के बारे में बता रखा है, दे स्टोल डैश मनी, व्हाट काइंड ऑफ मनी दे स्टोल, ये आपका व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। अगर ये आपका व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो हमें पता है जो व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई होते हैं वो हमारे एडजेक्टिवल होते हैं। अब चूंकि अगर इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ये आपका सब्जेक्ट है ही और ये आपका प्रेडिकेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिवल क्लोज। अब जो आपकी एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल क्लोज होते हैं वो क्वालिटी बता रहे हैं किसका, मनी का, यानी ये कोई स्पेसिफिक मनी है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ को बताने के लिए हमेशा दा का इस्तेमाल होता है। अब ये भी समझ लो, दा को हम स्पेसिफिक क्यों मानते हैं, यहाँ पे अगर स्पेसिफिक की बात करनी है मनी की तो यहाँ पे दा मनी आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसके बारे में बता दिया कि उन्होंने चोरी कर ली, कौन सी मनी, जो अपनी बेटी की शादी के लिए उसने बचा के रखी थी, तो ये क्ल्यू है कि वो डेफिनेट मनी की बात कर रहा है। अगर ये हम क्ल्यू ना लिखे तो यहाँ पे लिटल लिटल दा लिटल कुछ भी आ सकता था। अब इसको समझ लेते हैं, जो डेफिनेट होता है ये दा कैसे कन्वे करता है, एक तो होता है आपका ए आर्टिकल और एक होता है आपका दा आर्टिकल। ठीक है, ए जो होता है ये आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है।
अब ये इनडेफिनिट क्यों होता है, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, इसका मीनिंग भी एनी वन एंटी ऑल इन जनरल इतने सारे मीनिंग होते हैं, अगेंस्ट भी ए का मीनिंग होता है, और जो द आर्टिकल होता है ये वीकर फॉर्म होता है किस चीज़ की, ये होता है आपका दिस दैट और दिस दोज का, दिस दैट दिस और दोज, ठीक है। अगर हम बात करें जो द आर्टिकल होता है तो ये वीकर फॉर्म होता है इन सभी का, और ये जो होते हैं ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन होते हैं। ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन होते हैं। अब अगर ये आपका जो आर्टिकल्स होते हैं, जिसने इस फील्ड की बुक में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स, अगर ये आपके एडजेक्टिव हैं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करूँगा तो जो द है वो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दिस बुक इज़ माइन, अगर हम इसको रिप्लेस करें दा से तो क्या होगा, हमने यहाँ पे दा से रिप्लेस कर दिया, दिस भी सही है और दा भी सही है, द बुक इज़ माइन, इसके मीनिंग पे कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो दा है ये क्या है, दिस की वीकर फॉर्म है। ये आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स भी होते हैं, और जेसन फील्ड की किताब में क्या लिखा हुआ है कि दीज आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स, ठीक है, यानी एडजेक्टिव के रूप में भी ये काम करते हैं आर्टिकल्स। तो हमें यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो द आर्टिकल होता है ये दिस की वीकर फॉर्म है, और जो दिस होता है डेमोन्स्ट्रेट करने के आता है काम, यानी निश्चित करने के, अगर ये निश्चित करने के काम आता है तो जो दा हम लिखते हैं यहाँ पे दा लिटल आएगा, जो हम लिटल के साथ या फ्यू के साथ जो दा लिखते हैं ये किसकी वैल्यू बताता है, ये जो डेफिनेट वैल्यू होता है उसके बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको एक उतार सकते हैं, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।